इन्होंने कहा था कागजी कार्रवाई तो पहले नहीं होती थी हमारे नबी के दौर में, तो इन्होंने वैसे ही पढ़ाया हामू कलामी इन्होंने किया था। इसके दोस्त आते थे, शराब पीते थे, चरसे पीते थे, यहाँ पे पार्टीज होती थी हर घर के अंदर, डांस पार्टी। हाँ जी, घर के अंदर डांस पार्टीज होती थी, फिर ये नशे तमाशे करते थे साथ में। मुझे भी ये शराब मैंने आज तक नहीं पी इसके साथ, ना मैंने कभी पी है। ये मुझसे सिगरेट बनवाते थे, जो कि इन्होंने ये केस के बाद मुझसे सिगरेट बनवाए हैं, और इन्होंने कहीं मेरी वीडियो बनाई है वो वाली। इनके पास सिर्फ मेरी एक वो वीडियो बनाने वाली, पीने वाली नहीं है। फिर ये दोस्तों के साथ बैठ के फोर्स करता था, कोई बात नहीं तुम पी लो कुछ नहीं होता, कभी पी लेना चाहिए, ये तो नहीं कि ये ऐसी गंदी चीज़ है। पर मेरे से बदतमीजी भी की हुई है इसके छोटे भाई ने ना, 22 जून की रात को मेरे साथ, इसने पहले मेरे माथे पर किस की, मेरी तबीयत रो रही थी, कुछ मसले चल रहे थे, तो बेड पे ही बैठे हुए इसने पहले मेरे माथे पे किस की, तो मैंने इग्नोर कर दिया कि हमारे बहन भैया हमारे बड़े भी ऐसे कर लेते हैं दिलासा देने के लिए। फिर इसने मेरे ना मेरा मुंह पकड़ के मेरी चिक्स पे किस की, अब्दुल अजीज़ ने, वो इसका भाई है। हाँ जी, इसका सगा भाई है वो। उसको मैंने फ़ोन किया ना, अभी घर से निकला ही है, तो मैंने कहा बिलाल मुझे LPG डलवा दो, घर पर गैस नहीं है। तो मुझे कहता है अपने घर फ़ोन करो, मैंने तो तुम्हें तलाक भेज। नमस्कार, नीच मूर्ति महाजाहिल लुच्चोदीन 786 मस्तकर रहमत उल्लू वाले ने मस्तकरवाद की नींव रखते समय मस्तकरवंशी समाज की सभी मादाओं को सार्वजनिक खेती घोषित कर दिया था, और इसी सार्वजनिक खेती में जब कोई मस्तकरवंशी नर अपनी चीरायुक्त लाठी द्वारा खुदाई करता है तो उसे मस्तकर ने निकाह का नाम देते हुए मस्तकरवंशी जानवरों के लिए एक निकाह व्यवस्था बनाई, जिसमें लाठियों और दुग्गियों के बीच खुदाई व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए तलाक, हलाला, रिवर्स हलाला, खुला जैसे अनेक खुदाई संबंधी नियम बनाए गए। मस्तकरवंशियों में 3 बार लाठी कबूल है और दुग्गी कबूल है कहकर कोई भी मस्तकरवंशी मादा और नर तुरंत प्रभाव से खुदाई प्रारंभ कर सकते हैं, फिर चाहे आपस में उनका संबंध मानवीय दृष्टि से बहन भाई, माँ बेटे या बाप बेटी का ही क्यों ना हो। हाँ, मानवों में पाया जाने वाला पति पत्नी जैसा रिश्ता मस्तकरवंशियों के लिए मस्तकर ने निषेध किया है। इसी तरह दुग्गी या लाठी पसंद ना आने पर नर और मादा तलाक और खुला के माध्यम से तुरंत उसे छोड़ सकते हैं। साथ ही अगर दुग्गी लठ वापसी करना चाहे तो एक रात किसी भी मौलवी की लाठी को दुग्गी में उतारकर दुग्गी सफाई की हलाला प्रक्रिया की व्यवस्था भी मस्त करने आसमानी शास्त्र में कर रखी है। आज हमारी टीम फुद्दू दीन की रिपोर्टर बूरजहां हमें एक ऐसी मादा से मिलवाएगी जो इस निकाह, हलाला और तलाक की व्यवस्था में ऐसी फंसी कि अब दुग्गी में लाठियों को आकर्षित करने की क्षमता न्यून हो जाने पर वो उस पड़ाव पर खड़ी है कि एक तरफ तो वो नशे की आदी हो चुकी है और दूसरी ओर दुग्गी के अनगिनत लाठियों के प्रहार सह सह कर अपने पूर्ण फैलाव तक खुलकर झोपड़ा बन जाने के कारण वो किसी भी लाठी को जकड़ कर रख पाने में असमर्थ है। इसके शोहर ने इसके साथ निकाह किया, लेकिन वो निकाह इसके मुताबिक और उसके मुताबिक, दोनों के मुताबिक वो निकाह रजिस्टर्ड नहीं था, वो एक फेक तरीके से निकाह किया गया, और उसके बावजूद वो इस औरत के साथ कितने महीने आकर यहाँ पर एक मियाँ बीवी वाला रिश्ता बनाकर यहाँ पर रहता रहा और इसके साथ हर तरह का ताल्लुक कायम किए रखा। उसके बाद उसके जो फैमिली है उनको जब पता लगा कि इसने बाहर कोई ऐसा सीन क्रिएट किया हुआ है, तब उन्होंने इस लड़की को धमकियां देनी शुरू कर दी, इसको इसके घर में आकर इसके साथ मारपीट की कि तुम हमारे बेटे के पीछे पड़ी हो। तब इस लड़की ने एक FIR दर्ज करवाई। उसके बाद वो डर गया, पुलिस से डर गया, उसने इस औरत के साथ जो निकाह था उसको रजिस्टर्ड करवाया। उसके बाद जो उसने इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी शुरू की वो ये ज़िंदगी थी कि वो घर में अपने दोस्तों को लेकर आता था, इसी घर के अंदर जिस घर में इस टाइम हम लोग बैठे हुए हैं, वो डांस पार्टीज करता था, वो अपने दोस्तों को लेकर आता था, इस औरत को कहता था अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए। ये चीज़ें बहुत तल्ख लगती हैं, लेकिन ये अब हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा बन चुकी हैं। इस औरत के इनकार पर इस औरत ने कौन कौन सी अज़ियत बर्दाश्त की है, कोशिश करेंगे आपको फुटेजेस में साथ साथ दिखाएं इस औरत पे किस किस तरह का तशद्दुद हुआ है, और इस ये क्या थी और आज ये क्या हो चुकी है। इसका शोहर इसको छोड़कर चला गया, इसको नोटिस दे चुका है 1 तलाक का, सिर्फ क्यों, क्योंकि ये कोई गलत काम नहीं करना चाहती थी। इससे बात करते हैं, बाकी आरजू हमें सारी बात बताएगी। मेरे साथ 2 साल रहा है निकाह के बगैर। जी, निकाह के बगैर 2 साल रहा है। आपको यही शो करवाया था कि निकाह हुआ?
हाँ जी, मोहल्लेदारों को भी और मुझे अपने दोस्तों के सामने भी कहता था, तुम मानो या ना मानो कागजी कार्रवाई है, वैसे तुम्हारा मेरा निकाह हुआ है। को ये कैसे पता कि आपका निकाह हुआ था? ये ना एक बंदा लेके आया था। अच्छा। उसके साथ इन्होंने कहा था कागजी कार्रवाई तो पहले नहीं होती थी हमारे नबी के दौर में, तो इन्होंने वैसे ही पढ़ाया, हामू कलामी इन्होंने किया था। अच्छा। फिर कुछ ऐसे हुआ कि ये निकाह कराए किसी और के साथ, इसके घर वालों को मेरा पता था, उन्होंने इसका निकाह कर दिया किसी और के साथ। 30 जून को इसके घर वालों ने मुझे सियालकोट में मारा पीटा, यहाँ पे लाके छोड़ दिया, जिसके बाद मैंने इसके ऊपर एप्लीकेशन दी कि मैं 2 साल से रह रही हूँ इसके साथ और अब ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। फिर इस पर FIR हुई, इसने मेरे से सुलह कर ली। फिर इसने ना मुझे 4 दिसंबर को मेरे साथ निकाह कर लिया। निकाह किया उसके बाद ये बिल्कुल काम नहीं करता था। मेरे पास सारे डेटे मौजूद हैं, मैं लोगों से पैसे मंगवा के इसे भी खिलाती थी, खुद भी खाती थी और घर के रेंट वगैरह भी मैं ही पे करती थी। कहाँ से मंगवाते थे? मैं जहाँ जॉब करती थी ना वहाँ पे सर थे, उन्होंने जो है ना मुझे 2.5-3 लाख रुपया निकाह के लिए दिया था। 2021-13 जुलाई को ये घर से गायब हो गया। इसके घर से मैंने पता करवाया तो इसके घर वालों ने ना मुझे कहा कि हमें नहीं पता वो कहाँ पे है। मुझे ये बताएं, जब ये आपके साथ घर में रहता रहा, घर में क्या एक्टिविटीज़ थी इसकी? आपके साथ जो आप बता रही थी कि इसके दोस्तों का आना जाना था, वो इसके घर में आपके साथ क्या एक्टिविटीज़ थी? सिर्फ इसके दोस्त आते थे, शराब पीते थे, चरसे पीते थे, यहाँ पे पार्टीज़ होती थी हर घर के अंदर, डांस पार्टी थी। हाँ जी, घर के अंदर डांस पार्टीज़ होती थी, फिर ये नशे तमाशे करते थे साथ में। मुझे भी ये शराब मैंने आज तक नहीं पी इसके साथ, ना मैंने कभी पी है। ये मुझसे सिगरेट बनवाते थे, जो कि इन्होंने ये केस के बाद मुझसे सिगरेट बनवाए हैं और इन्होंने कहीं मेरी वीडियो बनाई है वो वाली। इनके पास सिर्फ मेरी एक वो वीडियो बनाने वाली, पीने वाली नहीं है। फिर ये दोस्तों के साथ बैठ के फोर्स करता था, कोई बात नहीं तुम पी लो, कुछ नहीं होता, कभी पी लेना चाहिए, ये तो नहीं कि ये ऐसी गंदी चीज़ है, इस तरह करके ये मुझे पिलाता रहा। फिर इस बंदे ने ना इसकी फैसल टाउन में गई, आया इसकी बहन आयशा मजीद और अब्दुल अजीज़ मजीद नीचे आए, उसने मुझे बुरे तरीके से मारा, जो कि कंटिन्यू 20-25 मिनट तक मुझे वो मारता रहा। इसकी बहन भी वहाँ पे थी, सर पे खड़ी हुई थी, वहाँ पे पूरे लोग जानते कि इन्होंने क्या किया। ये थाने गए, इन्होंने वहाँ पे जाके हलफ उठा लिया, जी हमने इसे नहीं मारा। मैंने उस हलफ की वजह से, आयशा जो इसकी बहन ने हलफ उठाया, मैंने उस हलफ की वजह से इसे छोड़ दिया कि ठीक है तुमने हलफ उठाया, तुम्हें अल्लाह पूछेगा। दोस्तों का रवैया कैसा था आपके साथ? बुरा था। क्या कहते थे आप? अजीज़ ने तो एक बार मेरे से बदतमीजी भी की हुई है। इसके छोटे भाई ने ना 22 जून की रात को मेरे साथ, इसने पहले मेरे माथे पे किस की, तो मैंने इग्नोर कर दिया कि हमारे बहन भैया हमारे बड़े भी ऐसे कर लेते हैं दिलासा देने के लिए। फिर इसने मेरा मुंह पकड़ के मेरी चिक्स पे किस की, अब्दुल अजीज़ ने। वो इसका भाई है? हाँ जी, इसका सगा भाई है वो। ये सुबह आया, मैंने इसे बताया कि अजीज़ ने ये हरकत की है, क्या ये मेरे साथ ऐसी हरकत कर सकता है? बिलाल ने कहा हो सकता है, तुम ख्याल करना। फिर इसने अजीज़ ने मुझे कहा आप तो मुझे ऐसे पीछे करिए जैसे मुझे कांटे लगे हुए हैं। उसकी भी मुझ पर गंदी नज़र थी। जब इसका मेरा मसला स्टार्ट हुआ तब अजीज़ ने मुझे कहा जी आप मेरे से निकाह कर लें, जो मैंने नहीं किया। आपसे कोई रابطہ नहीं है अब उसका? नहीं, अभी मेरे से कोई रابطہ। इनका ना काम यही है, बाप बेटों का, पूरी फैमिली ऐसी है। ये इसके निकाह की एल्बम है और इसके निकाह की एल्बम में इसकी तस्वीरें देखें, इसके शोहर को देखें और अब इसकी हालत देखें कि ज़िंदगी किस किस तरह का इम्तहान लेती है। बूरजहां की इस रिपोर्ट से ये स्पष्ट हो जाता है कि मस्तखर की इन खुदाई संबंधी परंपराओं के कारण मस्तखरवंशीनी मादाओं को दुग्गी में लठाकर्षण की क्षमता कम हो जाने के बाद विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस विषय पर आप भी अपने विचार संदेश पेटी में अवश्य रखें। साथ ही सक्षम सनातनी अपने इस छोटे से चैनल के लिए आर्थिक सहयोग भी अवश्य करें, ताकि आपकी मस्तखरवंश संबंधी जानकारी का ये स्रोत निरंतर बहता रहे। मस्तखरवंश संबंधी इसी तरह की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप अपने दोनों चैनल पाक डी टॉक और टोपी डी टॉक से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।